तारीख जिनको अभी चेहरे के अंदर तारीख एक है कि 35 सीट जनता दल की सबसे ज्यादा आई आज तक, वो भी फसाद के नाम पर, और हम इंशाल्लाह विकास के नाम पर ये तारीख ली तो। और मेरे वर्करों को, मेरे जिम्मेदारान को अगर किसी ने दादागिरी की भाषा इस्तेमाल की तो मैं उसको कभी भूलता उलता नहीं हूं। फिर टप्पा पड़ा तो उसका निश्चित कार्यक्रम होगा, मेरे टप्पे पे जो आया तो उसका कार्यक्रम मैं निश्चित करता हूँ, फाइनल करता हूँ। मैंने शेख हसीन साहब को कहा था उस वक्त, तो मुझे याद है कि चन्नी के अंदर रेती डाल लो और जितना छान लो, जो गिर गए अपने नहीं, जो बचे ही अपने, बस इसी को बढ़ा। आज अगर हमने तय कर लिया कि हमारे बलबूते के ऊपर इख्तदार लाने, हमारे बलबूते के ऊपर, तो हम लोग 50 सीट ला सकते हैं। और हमारे बलबूते के ऊपर खालिद बिन वलीद, ये जो हॉल है जहां पर इस ग्राउंड के अंदर हम लोग बैठे, ये मस्जिद खालिद बिन वलीद के नाम से रखा गया। और ये जो जितने नाम मैंने पढ़ के बताया आपको, अगर आज यहां पर हम लोग इब्तदा कर रहे, ये सीमेंट कॉन्क्रीट, चार दीवारी, पतरा, ये खंडर था, लेकिन ये तमाम ही लोग, ये तमाम ही नौजवान बुजुर्गों ने मुझको एक पार्टी दिया, और वो भी चिक्कलवाड़ में, तमाम ही नौजवान बुजुर्ग और तमाम ही लोग बैठे, और उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और सिर्फ एक डिमांड किया कि ये ग्राउंड को, जो खंडर पड़ा हुआ है और ये इमारत आप लोग देख रहे हैं, जिस वक्त तो मैं एमएलए था उस वक्त तो एमएलए फंड की ही इमारत है, यहां पर शादी ब्याह के लिए, दीनी प्रोग्राम के लिए, औरतों के इस्तेमा के लिए बहुत तकलीफ इस मोहल्ले के लोगों को है, इस इलाके की आवाम को है। आप खुसूसी तौर पर तवज्जो देकर इसको डेवलप करिए ताकि ये इस्तेमाल में आ जाए और फायदा आवाम की इस इलाके को मिले। मैंने उसी वक्त इन लोगों से वादा किया था कि आप लोग इत्मीनान रखिए, इंशाल्लाह शेख रशीद साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा से मैं बात करके फंड लेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इसको तामीर करेंगे। और ये अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि ये तमाम ही जिम्मेदारान इस इलाके के नौजवान मुसलसल मेरे कांटेक्ट में रहे, मुसलसल याद दिलाते रहे, और अल्लाह का करम है कि वो काम हमने मंजूर किया और आज ये मुकम्मल हुआ और आप लोगों की मौजूदगी के अंदर हम लोग यहाँ पर इब्तदा कर रहे हैं। ये सही मानों में बहुत खंडर था। मैं खालिद भाई एक शादी में यहाँ पर हम बैठे थे, यकीन जानो चलने के लिए भी सही रास्ता नहीं था, पट्टियां बिछाने के लिए नहीं था, धूल मिट्टी थी, लेकिन आज यहाँ पर ये महसूस हम लोग कर रहे हैं कि इस बस्ती के अंदर एक अच्छा शादी ब्याह के लिए इंतजाम हो गया और यहाँ पर कुछ काम बचा हुआ है, बाथरूम का काम बचा हुआ है और कुछ थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि इंशाल्लाह जब 7 तारीख को अभी दोराब से डाब इस इलाके कॉरपोरेटर हो, अभी वार्ड रचना डिक्लेयर नहीं हुई, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इस 7 तारीख को मैं समझता हूं बजट की मीटिंग है, और उस मीटिंग के अंदर जैसे ही बजट पास होगा तो जो बचे हुए तामीरी काम का इंशाल्लाह आपकी यादी लगाकर शेख रशीद साहब को बोलकर दोबारा इस्टीमेट डाला जाएगा और बचे हुए काम को मुकम्मल करने का मैं आज आप लोगों के बीच में वादा करता हूं। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूं इस इलाके की आवाम को, यहां की आवाम तो खुश नजर आ रही है, इस इलाके की आवाम बहुत खुश नजर आ रही है, नौजवान बुजुर्ग मां बहने, लेकिन इस वार्ड के कॉरपोरेटर कुछ लोग खुश नजर नहीं आ रहे। दोराब सेठ तो खुश है
लेकिन कुछ लोग खुशी नजर नहीं आ रहे, उनके चेहरे से खुशी बिल्कुल मुड़ गई है। अयाज शेख कल धमकी दी गई, ये गेहूं के साथ गुण भी पीसा जाता। शायद नदीम अंसारी नाम है, अयूब नगर का एक नौजवान, मेरा व्हाट्सएप मोहसिन अंसारी, उसको भी धमकी दी गई कि इलेक्शन असेंबली था, मैंने कुछ बोला नहीं और अब मेरा इलेक्शन है, देखो काम करना पड़ेगा। हमारे पार्टी को कॉर्पोरेटर है बेचारा, हाँ बोले कैसे प्रोग्राम होता मैं देखता हूं। अगर जिस दिन मैंने ठान लिया ना तो दरे गांव में कैसे धंधा चलता वो भी मैं भी देखता। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूं और मेरे वर्करों को, मेरे जिम्मेदारान को अगर किसी ने दादागिरी की भाषा इस्तेमाल की तो मैं उसको कभी भूलता उलता नहीं हूं। फिर टप्पा पड़ा तो उसका निश्चित कार्यक्रम होगा, मेरे टप्पे पे जो आया तो उसका कार्यक्रम मैं निश्चित करता हूं, फाइनल करता हूं, मैं भूलता नहीं हूं। और आज के बाद मुझे यहां भाषण नहीं करना था, लेकिन आज के बाद मैं एकदम साफ बोल रहा हूं कि अगर छोटा सा वर्कर हो, अयाज शेख जैसे लोग हो, बड़ा जिम्मेदार हो, अगर किसी को भी अगर दादागिरी की भाषा इस्तेमाल की गई तो मुझे मालूम है किसके किसके काज के घर है, सब मुझे मालूम है किसके काज के घर है। अगर मैं नजरअंदाज कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाता हूं। मैंने कहा ना कि मेरे टप्पे पे जो आता है उसका कार्यक्रम निश्चित करता हूं, तो मैं धमकी नहीं दे रहा। अपनी जबान सुधारो, अपना लहजा सुधारो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर जबान नहीं सुधरी, दादागिरी बंद नहीं हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। मैं एकदम साफ तौर पर बोल रहा हूं, मैं आज गुरुवार वार्ड वालों से बात करना चाहता हूं, मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ। और एकदम खुले तौर पर बात करना चाहता हूं और मुझे तो उम्मीद है आप लोगों से कि जो मैंने मेहनत किया, जो मेरे कार्यकर्ताओं ने, वर्करों ने, हम सब जिम्मेदारों ने मिलकर जो गुरुवार वार्ड और पूरे शहर के अंदर हम लोगों ने मेहनत किया, असेंबली इलेक्शन हारने के बाद भी हम लोगों ने आवाम के बीच में रहे, आवाम के हर सुख और दुख के अंदर हम लोग शामिल रहे, आवामी मसाइल के ऊपर हमने आवाज उठाई, हमने ये नहीं देखा गरीब अमीर, बुनकर गैर बुनकर, पार्टी बाजी हमने नहीं देखा, बल्कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की और पार्टी को खड़ा किया। लेकिन मैं खास तौर पर गुरुवार वार्ड के नौजवान बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि क्या वजह है कि कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा, क्या वजह है? आपको यह वजह ढूंढना पड़ेगी। आपको फिक्र करना पड़ेगा और वजह ढूंढकर, तलाश करकर कोई ना कोई नतीजे पे आपको पहुंचना पड़ेगा। पीछे इलेक्शन हुआ, 2 सीट हमको मिली, 6 सीट किसी और पार्टी को। आज भी
औरंगाबाद के भी लोग यहां बैठे हुए थे। यकीन जानो जितना प्रोग्राम जितनी मेहनत हम गुरुवार वार्ड के अंदर करते हैं, औरंगाबाद के अंदर तो हम 1% भी मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आज भी वहां का कार्यकर्ता वहां की आवाम ये बोलती है कि आप फिक्र मत करो ये तीनों पैनल आपके हैं। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस हमको दिलाते हैं। क्या वजह है कि यहां की आवाम या यहां के कार्यकर्ता इतनी कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते कि आसिफ भाई शेख रशीद साहब आप फिक्र मत करो पूरे गुरुवार वार्ड के फाइनल आपके। क्यों ये बात नहीं निकल पाती? हम मेहनत करेंगे, इलेक्शन है लड़ेंगे, लेकिन नतीजा चाहिए। हमको उम्मीद है कि आप लोग नतीजा दोगे। आज तक तो हमको लग रहा है आवाम का रुझान, वोटर का रुझान वो जाने दो, जो वर्कर तो इलेक्शन लड़ते हैं दोनों साइड, लेकिन आवाम का रुझान बता रहा है कि इंशाअल्लाह गुरुवार वार्ड के अंदर चमत्कार होगा। ये रुझान मैं देख रहा हूं। संभली का इलेक्शन नहीं है, इसका क्या मतलब? ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन है। ये असेंबली के अंदर तुम कुछ भी करो, मुझे याद है जिस वक्त मैं पहला कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, पहला कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, किसी पर तंकीद नहीं कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने एक दो मरतबा शायद बोला होगा ये बात कि इस्लामपुरे से जब भी 3 का फाइनल था, इस्लामपुरे का चुनाव चल रहा था, मैं भी पहला इलेक्शन 1000 पोली से लड़ रहा था और नतीजा आया तो ठीक है, उस वक्त तो फसाद हुआ था, हम 4 नंबर पर थे, लेकिन जब नतीजा आया तो इस्लामपुरे का नतीजा आया, अनीश टाइगर मेमन जनता दल से चुनकर आ गए। और कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त ऐसे खानदान को टिकट दिया था 3 सीट पर जिनकी 1000-1000 वोट के मालिक थे और उनकर बिरादरी से, लेकिन चुनकर कौन आया? अनीश मेमन टाइगर जनता दल से। बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसा नतीजा हो सकता है। तो जब मालूमात ली गई तो आवाम ने इस बेस के ऊपर वोट दिया कि अनीश टाइगर चुनकर आएगा तो निहाल अहमद साहब को वोट देगा और उनको ताकत पहुंचाएगा, और अगर शकील अहमद अंसारी जो हमने उम्मीदवार दिया था अगर वो चुनकर आएगा तो शेख रशीद साहब को ताकत पहुंचाएगा। जब असेंबली आता तो आपके लीडर को, आपके नुमाइंदे को हराने के लिए एक ताकत का जोर लगा दिया जाता, और अगर ऐसा मान लीजिए कि मेयर बनने के लिए हमको 8-10 सीट की जरूरत पड़ गई और अगर गुरुवार वार्ड से हमारी सीटें नहीं निकल पाएगी तो फिर आप क्या करोगे? 5 साल आप पछताओ। तो आपको लीडरशिप को देखकर, लीडरशिप को मजबूत करने के लिए आपको तय करना पड़ेगा कि आगे का रास्ता कैसे चलना है। और मैंने कहा, बार बार मैं बात बोल रहा हूं कि इंशाअल्लाह इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले पहले शहर के तमाम ही वार्ड की हम लोग तैयारी मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं शेख रशीद साहब की क्यादत में। ठीक है, दिख नहीं रही अलग बात, लेकिन हमारी तैयारी शुरू है ताकि इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो ज्यादा से ज्यादा वक्त गुरुवार वार्ड के अंदर देना है, एक एक घर घूमना है और मेहनत करना है
और कुछ लोगों को उनकी जगह बताना है। क्या बात है। हम कभी झुकेंगे नहीं और ना झोपड़पट्टी की आवाम को कभी झुकाने का काम करेंगे। मैं तुम साफ बात बोल रहा हूं, हमेशा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम कभी झुकेंगे नहीं और ना हम कभी झुके हैं। लड़े हारे जरूर, लेकिन क्यादत की, लीडरशिप की किसी के सामने झुककर हमने सियासत नहीं की, आपकी वोटों का कभी सौदा नहीं किया। और इतिहास गवाह है, ये शहर का इतिहास गवाह है कि गुरुवार वार्ड के अंदर 4-5 सीट लाकर हमेशा आपकी वोटों का सौदा करने का काम किया गया। इतिहास गवाह, इतिहास। जब मैं ये बात बोलता हूं तो तीर की कमान से निकली हुई तीर की जैसे जाकर घुसती और दर्द होता है कि यार ऐसे छुआ के बोलता है शेखा से। मुझे बता दे इतिहास गवाह है। मैंने कहा आप किसी के भी लीडर हो, निहाल अहमद साहब हो, हारून अंसारी हो, आयशा हकीम हो, कोई भी लीडर के पास इन्होंने हमेशा सौदा करने का काम किया है। नहीं मिला चलेगा, लेकिन हमने लड़ा है, जीता भी है, हारा भी है, लेकिन कभी सौदा नहीं किया। नाराजगी हो सकती है हम लोगों से, हमारे परिवार से, हमारी पार्टी के लोगों से हो सकती है नाराजगी। इंसान है हम भी, मुकम्मल तौर पर किसी को हम लोग इत्मीनान नहीं दिला सकते, मुतमईन नहीं कर सकते। जितना हो सकता है 18-18 घंटा हम लोग आवाम के काम करते रहते हैं, करते रहते हैं। अगर मालूम पड़ जाए कि फला कार्यकर्ता, फला शहर का अपना जिम्मेदार आदमी कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ये बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन जैसी खबर लगती है हम लोग हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते, तबीयत का खैर खैरियत पूछते हैं। कहीं की भी बात, एक छोटा भी अगर कार्यकर्ता है कि मेरा फला ऑफिस के अंदर काम है, तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि जाके इसका काम देख लेना, मैं खुद जाता हूं और उसका काम कराता हूं। हमारे कार्यकर्ता जाके कराते हैं, इतनी मेहनत कौन करेगा मुझे बताइए। और ये गुरुवार वार्ड के अंदर ये जो चल रहा है कि गुलाम बनाकर रखना, गुलाम 5 साल का हिसाब मार लीजिए कि 1000 में आपका 5 साल की जरूरत मुकम्मल हो सकती है, 2000 के अंदर आपकी जरूरत मुकम्मल हो सकती है क्या? अगर कोई बड़ा वर्कर है, किसी को 5000 की लायलूज, किसी को 10000 की लायलूज दी जा रही, तो क्या आपकी 5 साल उस पैसे से जरूरत पूरी हो सकती है क्या? किस बात के लिए हम उनके गुलाम बन रहे हैं? और पैसा लोगे उसके बाद डराएंगे भी, फिर डर के भी रहना है, तब के भी रहना है, फिर वो जुल्म करेंगे, फिर जुल्म भी सहना है। मैंने कहा हम गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार है, इज्जतदार है, अपना इमेज बनाकर इज्जतदार जिंदगी गुजारने की कोशिश करिए। अगर जिस दिन आप लोगों ने यह बात सीख ली कि नहीं हमारे सामने कोई पैसे को अहमियत नहीं है, लेकिन कम से कम ये शेख आसिफ आप अगर कोई काम मेरे पास लाओगे तो लाखों का काम कर दूंगा और आपकी चाय भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह का करम, अगर कोई वर्करों से कोई मेरे पास काम आता तो उसकी चाय भी नहीं पीता हूं। अभी इलेक्शन का जमाना है, मुझको बहुत दावतें दी जा रही टिकट के लिए कि आज पार्टी, आज पार्टी, यकीन जानना
मुझे मालूम पड़ जाता है कि फला उम्मीदवार है, ये टिकट मांगने वाला है और ये दावत दे रहा है, तो मैं उसको सॉरी बोल दे रहा हूं कि नहीं मुझे दावत नहीं खाना है। हम तो वो लोग है, हमारा वो परिवार, कि आपके लिए जीना, आपके लिए मरना, आपके लिए वक्त देना, कुर्बानी देना, आपके साथ खड़े रहना, आपको संभालना, ये शहर को संभालना, गरीबों को संभालना, उनके मसाए हल करना। अगर हमारे परिवार से अच्छा कोई परिवार आपकी खिदमत कर सकता है क्या, आप खुद सोचिए। लेकिन जरा सी बात पर नाराजगी, जरा सी बात पर कुछ हुआ तो सामने पाले में चले जाना, फिर मुखालफत करना, वोट दे देना, उसके बाद खामोश बैठना, फिर वापस पछताते, फिर वापस आते। तो ये तमाम ही चीजें आप लोगों को खत्म करना पड़ेगी। और यकीन जान लो, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अल्लाह का करम है। देखो एक वक्त तो ऐसा आया, सियासत के अंदर धूप छाव आते हैं, उतार चढ़ाव आता है। आज तो अल्लाह ने बहुत अच्छी हालत के अंदर रखा, अल्लाह का शुक्र है। 2009 में, 2009 के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर होटल के ऊपर बैठकर, वो जो दौर था, वो दौर ऐसा था कि शेख रशीद साहब 2007 में सत्ता चली गई कॉर्पोरेशन की, इक्तदार चला गया 2007 में। 2009 में शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए असेंबली का। 2012 तक हमारे पास ना कॉर्पोरेशन थी ना असेंबली थी, और उसमें शेख रशीद साहब को ऑपरेशन हो गया, 2 साल बेड पर थे, और सबने कॉर्पोरेशन की होटल के ऊपर बैठकर सतीश की, कई लोग ये बात किया करते थे कि अब शेख रशीद परिवार का राजकरण खत्म, जीरो, अब इनका वजूद खत्म हो जाएगा। और जब शेख रशीद साहब अच्छे हुए तो मैंने शेख रशीद साहब को ऐसे चेहरे बताया उस वक्त कि आप हॉस्पिटल में थे, हम रोड पर थे, हम मेहनत जो भी मिलते उस वक्त, तो मुझे जितनी समझ थी, जितना तजुर्बा था, वर्करों के साथ, जिम्मेदारान के साथ, मुखलिस साथियों के साथ, हम पूरे गांव के अंदर घूमते रहे, मेहनत करते रहे, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन सामने आ गया। जब शेख रशीद साहब, अल्लाह ताला ने अच्छा किया, तो जो मैंने कहा कि फला 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 सब सब ऐसी दुआ कर रहा है कि अपना वजूद खत्म हो गया, मैंने शेख रशीद साहब को कहा था उस वक्त, तो मुझे याद है कि चन्नी के अंदर रेती डाल लो और जितना छान लो, जो गिर गए अपने नहीं, जो बचे ही अपने, बस इसी को बढ़ाना और उसी के ऊपर चले हम, मेहनत की। किसी को नहीं लगता था कि 2012 में हम सत्ता में आएंगे। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, हर बात मुझे याद होती है कि 2012 में असेंबली कॉर्पोरेशन की पोलिंग चल रही थी, पोलिंग चल रही थी, दोपहर का 1 बज रहा था और पूरे जमात खाने के पास मैं रिक्शा से गुजर रहा था, पोलिंग सेंटर के ऊपर घूम रहा था, क्योंकि मैं 2012 में भी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, घूम रहा था, सर्वे कर रहा था, तो एक मीडिया जो पत्रकार होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, उनको गाड़ी देता है, 4-व्हीलर सोमो टाटा के अंदर वो थे, मैंने हाथ किया, रुकाया और उनसे कहा कि क्या आपको लग रहा है कि कौन लोग सबसे ज्यादा सीटें किसकी आएगी, तो सब पत्रकारों ने उत्तर के कहा 1 बजे बोल रहे हैं, 1 नंबर मुफ्ती साहब, 2 नंबर जनता दल, 3 नंबर पहले राष्ट्रवादी इधर थी, 3 नंबर और 4 नंबर पे आप बोले 10 कभी आंकड़ा पार नहीं करें, यकीन जानो है। 1 बजे पोलिंग चल रही और 1 बजे बोल रहे, और मैंने उनको वहां 1 बजे कहा था कि कांग्रेस पार्टी 1 नंबर की पार्टी होगी और 25 से 30 सीटें होगी, तो मेरे लोग ने हंस दिए, मजाक में लिए मुझको, मेरी बात को। 2 ही दिन तो बचा था, पोलिंग बंद हुई, तो 3रे दिन जब नतीजा आया तो कांग्रेस पार्टी को 25 सीट और हमारी 5 सीटें 100 वोट के अंदर हरी थी,
और बाकी लोग भटरा के नीचे चले गए सब। और मैं आज बोल रहा हूं इंशाअल्लाह, अगर गुरुवार वार्ड ने साथ दे दिया, मैंने जो कांड कर रहा हूं, मैं नया इस्लामपुरे का भाग, चाहे तुम कमालपुरे से लेकर साइने तक चले जाओ, चाहे तुम रौनकाबाद का पूरा इलाका, बीच के और कुछ और ये इलाके के अंदर हिंदू भाइयों का वार्ड छोड़कर मैं बोल रहा हूं, अगर गुरुवार वार्ड से आपने तीन पैनल बन रहे, तीनों पैनल अगर आपने चुन कर दिया, तो मैं इंशाअल्लाह 40 का पार का नारा मैंने शबीर नगर के अंदर दिया था और 40 पार सिर्फ वो मुस्लिम इलाके के अंदर भी करेंगे। हिंदू इलाके के अंदर भी तीन पैनल ऐसे हमारे पास, तीन पैनल बोल रहा हूं, जहां पर हम लोग आज चूम के आने की पोजीशन के अंदर है। हम अगर हमने वहां मेहनत किया, अगर जगन भुजबल साहब वहां पर आ गए, अजीत दादा पवार साहब आ गए और उन्होंने दो सभा अगर वहां पर ले ली, तो तीन पैनल भी हम लोग वहां से निकालने की पोजिशन के अंदर। इंशाअल्लाह अगर इतिहास रख देखो, सोचो तो बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, सोचना ही है ना, तो बड़ा सोचो। आज अगर हमने तय कर लिया कि हमारे बलबूते के ऊपर इख्तदार लाने, हमारे बलबूते के ऊपर, तो हम लोग 49 सीट ला सकते हैं और हमारे बलबूते के ऊपर तारीख लिख दो अभी चेहरे के अंदर। तारीख एक है कि 35 सीट जनता दल की सबसे ज्यादा आई आज तक, वो भी फसाद के नाम पर, और हम इंशाअल्लाह विकास के नाम पर ये तारीख लिखो। डरने उड़ने की जरूरत नहीं, आने तो दो भाई हैदराबाद के, दो भाई गरीबा हो, स्वागत तो हम करेंगे, उसके लिए तो तैयारी हमारी चल रही है, स्वागत जरूर किया जाएगा। और हर मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि तीन पार्टियों ने मार लड़ोगे, असल में तुम अपना वजूद बचाने के लिए तुम एक होने वाले हमको समझता है, ये अपना वजूद बचाएंगे। क्यों कि अगर हम अलग अलग लड़े तो शेख रशीद, उनका परिवार, उनकी फाइटिंग बहुत मजबूत हो जाएगी, डरा डरा के सब एक होने वाले हमको सब समझता है। तुम अलग अलग लड़ो मत लड़ो, एक साथ रह के लड़ो, तुम एक साथ रह के लड़ रहे, हमारी वही तैयारी चल रही है, तुम में रहना मत, अब तो मजा आने वाला है। मैंने कहा कल एक इंटरव्यू में, कल ही कहा मैंने, कई घराने बड़े बड़े शहर के, कई अपोजिशन पार्टी के लोग, सेटिंग कॉर्पोरेटर आए मेरे संपर्क के अंदर, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, कॉन्टेक्ट में, टिकट मांग रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर अतीब बेग हमारा वर्कर है और वो 5 साल उस वार्ड में मेहनत कर रहा, तो पहले उसका हक है, हमको कॉर्पोरेटर नहीं चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर सटिंग कॉर्पोरेटर आ रहा है, लेकिन हम ये नहीं देख रहे, हम ये देख रहे कि उसके सामने हमारा उम्मीदवार हारा है और वो 5 साल लगा है और हमारे लिए 5 साल लड़ा है, तो उसको हम लोग अहमियत देने वाले, उसको टिकट देने वाले। और अगर मैं तो ऐसा भर्ती करना है तो यकीन जानो 10 कॉर्पोरेटर तो आज लेके आ जाऊंगा, आज लेके आऊंगा। तो ये शहर के अंदर हमारी पार्टी पोजिशन है, हमारी मेहनत का नतीजा है, हमारे एक एक वार्ड के अंदर 9-9 उम्मीदवार टिकट मांग रहे, तीन को दिया जाएगा, 9-9 उम्मीदवार है, ऐसे वार्ड हमारे अपने पास है, हम लोग जमा रहे, समझा रहे हैं, लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को, मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं तो यकीन जानना दोस्तों, ये शहर के अंदर जो अपोजिशन चाहता है वो तो चलो, एक बात मेरा सवाल है, क्या वजह है कि शेख रशीद घराने से इतना आग पहुंच कर क्यों देखा जाता है, या हमारे ऊपर जाति तनकीद क्यों की जाती है, या हम लोगों को इतना जहरीली नजर से क्यों देखा जाता, क्या वजह है, मेरा सवाल है आप लोगों से।
अगर हम लोग अगर आपकी वोट का जिस दिन सौदा करने लग जाए ना, उस दिन हमारी तारीफ इतनी होगी कि आज तक किसी की नहीं होगी। लेकिन हम सिर्फ आपके लिए लड़ते हैं, वो तो चाहते हैं कि ये परिवार अपने भाड़ी जाए। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, गांधीनगर चौक के अंदर आके हमारे अपोजिशन पार्टी को लोग टप्पू मारा करेंगे, एक वर्कर को, एक गरीब को टप्पू मार के निकल जाया करेंगे, कोई बोल नहीं सकता। अगर किसके अंदर हिम्मत नहीं होती गांधीनगर के अंदर किसी को टप्पू मारने की, तो अल्लाह बड़ी बात ना करवाए, हमारा आपका साथ है। इसके लिए किसकी हिम्मत नहीं होती कि अगर इसको टप्पू मारे तो ये हजार गरीब हो जाए। सिर्फ ये वजह, हिम्मत हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन सारा दे सकते, हिम्मत दे सकते, ताकत दे सकते, आपके साथ आपके बुरे वक्त में खड़े रह सकते। सिर्फ ये ताकत है और उस ताकत के बिना के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। क्या मुझको या मेरे परिवार को सुख नहीं चाहिए, आजाद जिंदगी नहीं चाहिए, बाल बच्चों वाली जिंदगी नहीं चाहिए, क्या धंधा व्यापार करके करोड़ों रुपया कमा के ऐश की जिंदगी गुजार सकते? लेकिन शेख रशीद साहब बोलते कि ये शहर के झोपड़पट्टी के लोग, ये गरीब लोग, ये आवाम अपने में भरोसा करती है, हम किसके भरोसे इनको छोड़कर जाएंगे? इसके लिए कुर्बानी देना है। अगर अल्लाह ने अपना यही काम है, यही तकदीर में लिख दिया है, तो कुर्बानी देना पड़ेगा। और इसके लिए बोलते शेख रशीद साहब आज मुंबई में मुझको फोन करे, यार गयास भाई बाजे वाले दिन एडमिट है, मुझे फोन आया अपेक्स हॉस्पिटल में। मैं सुबह घर से निकला, पहले हॉस्पिटल में जाकर उनसे मिला, क्या जरूरत? सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आपकी मोहब्बत, शहर की आवाम की मोहब्बत, गरीबों की मोहब्बत, झोपड़पट्टी के रहने वाले कार्यकर्ताओं की मोहब्बत, ये मोहब्बत की वजह से हम लोग भी खड़े हैं मजबूती के साथ, और इसके लिए हम भी आप दौड़ के चलते हैं। ये तमाम ही चीजें अगर आप लोग नहीं समझोगे, और अगर हमारे 5 साल का सौदा हजार दो हजार के अंदर आप कर लोगे और तब जाओगे, तो तब तक सुनेंगे। और यकीन जानो, आप लोग तो बहुत दुख होता होगा कि मैं असेंबली हार गया, और कुछ लोगों को बहुत खुश होता है कि हमने असेंबली हरा दिया। ना मेरे हारने से मेरा नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने मुझसे जो एमएलए था उतनी इज्जत नहीं दी, हारने के बाद अल्लाह ने मुझे उससे ज्यादा इज्जत से नवाजा, मैं अल्लाह का शुक्र यकीन जान मंजूर, हमको अल्लाह ने जो फैसला सुना वो मंजूर है। लेकिन अगर मैं किसी को बिला वजह फंसा दूंगा, किसी को जेल में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पर भी जवाब देना। इसके लिए सिर्फ मैं अल्लाह के डर की वजह से खामोश बैठा हूं। नहीं चलो ठीक है, आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, आवाम के काम करना है, आगे जाना है और आगे अपनी मंजिल तय करना है, आवाम के काम करना है। तो मैं आप लोगों से बातें करने के लिए यहां आज आया था, और मैं आज मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को सुनने के बाद जरूर गुरुवार वार्ड से एक एक सीट आप देने की कोशिश करोगे, मुझे उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग हमारे बल बूते के ऊपर इख्तदार संभालेंगे कॉर्पोरेशन का। दूसरी बात, आज ये इब्तदा हो गया, अभी मैं बैठा था, फोन आया कलेक्टर के पास, हमारा जो मैं 10 करोड़ मंजूर करवाया नाला गांधीनगर अमित चमारी और मदनी नगर सरदार बेकरी, तो जो पैसा आता है मंजूर होकर गवर्नमेंट से, तो कलेक्टर मंजूरी देता है। आज शाम 5:30 बजे मीटिंग थी, वो शुरू 6 बजे हुई, 7:30-8 बजे तक वो मीटिंग चली, और मुझको फोन आया कि कलेक्टर ने तमाम ही कामों को मंजूरी दे दिया, पीर के दिन उसका मंजूरी का लेकर आएगा, टेंडर निकलेगा, और इंशाल्लाह रमजान लगने से पहले पहले मेरी कोशिश होगी कि काम का इब्तदा करके काम शुरू कर दिया जाए, और ईद का तोहफा सीमेंट कॉन्क्रीट मजबूती वाला रोड इंशाल्लाह बनेगा, ये बात का मैं वादा करता हूँ। और
रौनकाबाद का भी मामला है, इधर का भी मामला है, उधर का भी है। और जो 15 करोड़ मांगा था मैं अजीत दादा के पास, मैं परसों मुंबई में था, मैंने मुंबई था लेकिन खबर नहीं दिया पा रहा, क्योंकि अहम काम से जब मैं जाता हूं तो मैं उसकी खबर नहीं देता। और उस दिन मैं 4 मंत्रियों से, गृह मंत्री दिलीप वोसे पाटिल से, अजीत दादा पवार से, छगन भुजबल साहब, कितने हो गए, 3, और धनंजय मुंडे साहब, 4 मंत्री से मैं मिला। और उस दिन मैं अजीत दादा साहब को बोला कि इलेक्शन करीब है, अगर फंड रिलीज जल्दी हो जाएगा और 15 करोड़। उन्होंने कहा कि लिस्ट में तेरा नाम ले लिया हूं, अधिवेशन के बीच में ही देखो और 10 से 15 करोड़ रुपया रोड रास्ते के दूंगा, और उसमें आजाद नगर वाले रफी भाई जो नाले की जो अपने अंडरग्राउंड गडर का जो इंस्ट्रूमेंट दिए थे इंशाल्लाह उसको, और मुकुंदवाड़ी के अंदर जो बहुत खुरापात है, गंदगी है, बेकारी है, उसको साफ करने के लिए वहां पर गार्डन डेवलप करने के लिए भी फंड 2 करोड़ का मांगा, वो भी 15 करोड़ की के अंदर है, यानी वो भी बनेगा। और मुबारकबाड़ को झुट्टा माफ देने की कोशिश की गई है, तो आप लोग इत्मीनान रखते हैं, मैं कुछ नहीं हूं, आपका साथी हूं, आपका वर्कर हूं। अल्लाह का करम है कि अभी सिर्फ इलेक्शन से पहले मैं 15 करोड़ 25 करोड़ का काम की बात कर रहा, और इलेक्शन के इक्तदार सौंप दिए तो हमको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, और इंशाल्लाह हम लोग काम